एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सुनील में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप मेरा चैनल देखते हैं। दोस्तों, कल भारत ने पुरुष वर्ग में हॉकी जो ओलंपिक में हो रही है उसमें भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया और इसके पहले 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में भारत ने हॉकी में के सेमीफाइनल में प्रवेश किया था और भारत ने वहां पर कांस्य पदक जीता था। आज महिलाओं ने भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, ये दोहरी उपलब्धि थी। लेकिन चूंकि 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में भारत ने हॉकी के टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया था और सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, तो जब म्यूनिक को मैं पढ़ रहा था तो म्यूनिक से मुझे याद आया कि एक म्यूनिक में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। आप सभी खेल प्रेमी भी उससे परिचित होंगे कि म्यूनिक में क्या हुआ कि जो फिलिस्तीन है और उसका उसके जो आतंकवादी संगठन है जिन्होंने उस ऑपरेशन को नाम दिया ब्लैक सेप्टेम्बर, और उसने उन आतंकवादी संगठन ने इसराइल के 11 खिलाड़ियों को खेल गांव में घुसकर गोली मार दी थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था और इसके बाद जो इसराइल ने किया वो एक अलग विषय है। तो मैं आज आपको उसी घटना का जिक्र कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस मुद्दे पर आता हूँ कि इसराइल और फिलिस्तीनिया, इसराइल और अरब कंट्रीज का आपस में क्या रीज़न है, क्यों वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था आपको फिलिस्तीन और इसराइल संघर्ष की कहानी, तो आज मैं थोड़ा सा उसको बोलता हूँ। इस एक्चुअली में 1948 में जब इसराइल आज़ाद हुआ तो उसके पास रहने का कोई जगह नहीं थी, यहूदियों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, तो उनको फिलिस्तीन में ही बसा दिया गया और उनको छोटा सा भाग दे दिया गया। लेकिन चूँकि इसराइल जो थे उन्होंने आज पूरे इसराइल पे जो वो पूरा देश था उस पर लगभग पूरा कब्जा कर लिया है, और यही वो कारण था जिसकी वजह से फिलिस्तीन के लोग जो थे वो नाराज़ थे और उन्होंने एक साजिश रची और उस साजिश में उसका नाम उस ऑपरेशन का नाम दिया ब्लैक सेप्टेम्बर। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक जो थे वो अगस्त के लास्ट वीक में शुरू हुए थे और उसमें दुनिया भर के देशों के खिलाड़ी उन खेलों में भाग लेने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। जो ब्लैक सेप्टेम्बर के आतंकी थे ये भी उस खेल गांव में घुसे, यूनिफॉर्म में, स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म में घुसे, जो थे उन्होंने ट्रैक सूट पहन रखे थे और वो दीवार को फांद कर अंदर जहाँ पर वो इसराइली खिलाड़ी ठहरे हुए थे वहाँ पर सुबह 5 सितंबर 1972 की ये घटना जो है 5 सितंबर की वह सुबह, काली सुबह जिसे इसराइल कभी नहीं भूल पाता है, 4 बजे वो दरवाजे पर पहुँचे और उन्होंने उस दरवाजे को नॉक मतलब उसको खोलना शुरू किया। फिलिस्तीन जो इसराइल टीम के जो कुश्ती के कोच थे यूसेफ गटफ्रायन, यूसेफ गटफ्रायन जो थे उनकी उनको नींद नहीं आ रही थी, वो करवटें बदल गए थे, वो 6 फुट और 3 इंच के थे, उनका वेट जो था 140 किलोग्राम था। उन्होंने देखा कि गेट पर कोई नॉक कर कुछ कर रहा है, तो जैसे ही उन्होंने गेट के पास जाकर देखा कि हॉल से देखा तो उन्हें आतंकवादी नजर आए, तो उन्होंने अपनी भाषा में हिब्रू में जो इसराइल की भाषा हिब्रू है, हिब्रू में अपने साथी खिलाड़ियों को आगाज किया कि भागो, सब लोग बचो, और वो मुश्किल से 10 सेकंड तक उस दरवाजे को रोक पाए होंगे, आतंकवादी अंदर घुसाए। और उन्होंने जैसे अंदर घुसे तो एक खिलाड़ी जो थे इसराइल के यूसे बेनबर्ग उसने चाकू उठा ली, फल काटने वाले चाकू, और जो उनका नेता था ब्लैक सेप्टेम्बर जो आतंकवादी संगठन का जो नेता था ईसा, उसको मारी। लेकिन दूसरे आतंकवादी ने उनको गोली मार दी और गोली लगते ही वो उनकी डेथ हो गई और इससे सारे जो खिलाड़ी थे वो दहशत में आ गए और वो घबरा गए। इसराइल के जो 11 जिन खिलाड़ियों को उन्होंने बंधक बनाया उनके नाम क्रमशः थे के हेरश्योर, लियो साकिन, सफीरा, आंद्रे सिप्जर, याको टालफिन, स्टालविन, जोवारी, बर्गर, पीटमैन, यूसुफ रोहाना, ये वो खिलाड़ी थे जिनको इसराइल उन आतंकवादियों ने बंधक बना दिया। आतंकवादियों की संख्या 8 थी, वो हथियारों से लैस थे, बाकी जो खिलाड़ी थे वो बच कर भागे, उन्होंने नीचे आकर
पूरे खेल गांव में खबर थी आतंकवादी घुस आए हैं, आतंकवादी घुस आए हैं और उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को बंधक बना लिया है। जर्मन की जो सरकार थी उनके होश उड़ गए कि ये क्या हुआ, इतना बड़ा ओलंपिक आयोजन हो रहा है और इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। एक पुस्तक प्रकाशित की थी राइटर जॉर्ज जोनास ने, जिसका नाम था बेनेजियंस अटू स्टोरी ऑफ द इजरायली काउंटर टेररिज्म टीम। इसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे ही आतंकवादियों की घटना मिली तो जर्मनी के जो चांसलर थे बिली ब्रॉन, उन्होंने इंग्लैंड वहाँ इसराइल के प्रधानमंत्री जो गोल्डा मेयर थी उनको फोन के द्वारा फोनिक बात की और फोनिक बात करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है आतंकवादी इसमें घुस आए हैं और उन्होंने आपके खिलाड़ियों को बंधक बना लिया है। इधर आतंकवादी जो जिस कमरे में थे वहाँ पर टीवी लगी हुई थी, वो टीवी पर देख रहे थे कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने जैसे ही देखा कि जर्मन के कुछ जर्मन सरकार या जर्मन के प्रतिनिधि जो बाहर खड़े हैं तो उन्होंने कागज़ में अपनी मांगें लिखकर भेज दी। कागज में लिखा था कि 234 जो फिलिस्तीनी इसराइल की जेल में बंद हैं उनको रिहा करें और हमको 3 जहाज दें ताकि हम यहाँ से सुरक्षित निकल सकें। ये बात बिली ब्रॉन ने गोल्डा मेयर को बताई। तो गोल्डा मेयर जो थी, आप जैसा कि आप जानते हैं इसराइल का जो एक ही स्टांस है कि वो किसी भी कभी भी अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए उसको कितना ही बलिदान क्यों नहीं देना पड़े। गोल्डा मेयर ने साफ और स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि मैं उन आतंकवादियों को नहीं छोड़ सकती हूँ। परिणाम स्वरूप आतंकवादियों ने 3 खिलाड़ियों को और वहाँ पर ऑन द स्पॉट गोली मार के होटल के बाहर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया था, सुबह 9 बजे तक का टाइम दिया था। जब उनको उनकी उम्मीद नज़र नहीं आई तो उन्होंने जर्मन सरकार से कहा कि आप मुझे 2 हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराइए ताकि हम यहाँ से निकल सकें, सुरक्षित निकल सकें। जर्मन सरकार तो ये चाहती ही थी कि किसी तरह ये बवाल खत्म हो। उन्होंने 2 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था कर दी और जर्मन एयरपोर्ट पे अपने जो स्नाइपर्स थे उनको वहाँ पर तैनात कर दिया कि जैसे ही ये वहाँ पर आएँ तो इन खिलाड़ियों को सुरक्षित बचाया जा सके। एक खबर गोल्डा मेयर के पास पहुँचती है कि इसी खिलाड़ियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, सुरक्षित बचा लिया गया है। गोल्डा मेयर खुश होती हैं और ये टीवी पर ऐलान कर देती हैं। लेकिन एक दूसरा जो प्रत्यक्षदर्शी था वह उनको बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरे दिन उनको पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे सारे खिलाड़ी मारे जा चुके हैं। जो एयरपोर्ट था वहाँ पर कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई में उनके 5 आतंकवादी मारे जाते हैं और जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो जो बंधक खिलाड़ी थे उन सबको वे मार देते हैं। इस प्रकार 11 खिलाड़ियों को ब्लैक सितंबर के वो आतंकवादी उनको मार देते हैं। और जैसे ही ये खबर गोल्डा मेयर के पास पहुंचती है, गोल्डा मेयर अपने सहयोगी अपने सैन्य सेनानायकों और मोसाद, जो मोसाद दुनिया की मोसाद, मैं आपको बताऊं मोसाद एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है, जो दुनिया में 1 पोजिशन पर रखती है और वहाँ उनको अपॉइंटमेंट देने से पहले कह दिया जाता है कि यदि आप देश के प्रति समर्पित हैं, आपके अंदर राष्ट्रभावना है, आप देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तभी आप इस एजेंसी में शामिल होइए, अन्यथा मत होइए। यदि आप कहीं पकड़े जाते हैं तो हम साफ मना कर देंगे, स्पष्ट शब्दों में मना कर देंगे कि हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है। गोल्डा मेयर बैठक लेती हैं, उस बैठक में जो मोसाद के जो हेड थे जुई जमीर भी शामिल होते हैं, सेना अध्यक्ष शामिल होते हैं और मोसाद से कहा जाता है कि आप फ्री हैंड हो, हमारे लोगों को जिन्ने मारा है, हमारे लोगों को जिन्ने मारा है, आप उनको किसी भी हालत में छोड़िए मत, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पर भी हो, उनको आप घुस कर मारिए। मोसाद है वो एक ड्रॉबैक लेता है और देखता है कि किन किन लोगों ने इनका समर्थन किया है, किन किन लोगों ने इनको मदद पहुंचाई है, वह कौन कौन शख्स थे, इनकी एक लिस्ट तैयार करती है और उनको वो दुनिया के जिस भी जगह पर होते हैं उनको, चाहे वो इटली में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे फिलिस्तीन में हो या यूरोप के किसी भी भाग में, वहाँ जा जाकर उनको शूट आउट करती है, एक एक व्यक्ति को मारती है और मारने के बाद जिस व्यक्ति को मारती है उसके परिवार वाले को एक बुके भी भेजती है। वो कहती है कि ये याद दिलाने के लिए कि ना तो हम भूलते हैं और ना ही हम किसी को माफ़ करते हैं। मोसाद ने 20 सालों तक इस चले अभियान में उस घटना से जुड़े हर व्यक्ति को जो था वो ख़त्म किया और आज जो है आज आपने जो टोक्यो 2020 खेल हुए उसमें आपने देखा होगा
अगर आपने लाइव देखा हो या आपने सुना हो, उसमें जब वो प्रारंभ हुआ तो सब ने 2 मिनट का मौन रखा, इसलिए उन खिलाड़ियों के लिए जो 1972 म्यूनिख ओलंपिक में मारे गए थे, ऐसा पहली बार हुआ उनके संग जब उनके लिए मौन रखा गया, उस घटना को याद दिलाने के लिए कि ऐसा अब दोबारा ना हो, और इसराइल को भी ये कहने के लिए कि जो हुआ आपने जो कर लिया उसको आप भूल जाइए, और सभी ने मौन रखकर इस चीज़ को आप मौन किया और सब ने उनको श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, मोसाद ने अपना काम किया, मोसाद के बारे में बाद में बहुत कमेंट्स आए कि मोसाद ने कुछ लोगों को जो बेकसूर थे उनको भी मारा, उसमें एक बालक भी मारा गया, कई लोग मारे गए। मोसाद ने जिन होटलों में ठहरते थे उन होटल के नीचे बम लगा देते थे या टेलीफोन बम लगा देते थे या जिस कार में बैठते थे उस कार में बम लगा देते थे और वहाँ उन सबको मारा। दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को अवश्य शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।